हुजूर के विसाल के वक्त ये इंतहाई अहम मौका था जिसको संभाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने। उस वक्त हालत ये थी जब हुजूर का विसाल हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तलवार लहरा रहे थे और कह रहे थे अगर किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ वक्त के लिए सकते में चले गए हैं, फिर अपनी असली हालत में लौट आएंगे, तो अगर किसी ने यह कहा तो मैं उसकी गर्दन काटूंगा। हजरत जैद बिन अब्दुल्ला के बेटे जाके अपने बाप को खबर देते हैं बाग में कि अब्बाजान हुजूर का इंतकाल हो गया, तो वो वही हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई उचक ले, मैं इन आंखों से अब हुजूर के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहता। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर मदीने में दाखिल हुए इस दिन से रोशन दिन मैंने नहीं देखा और जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ इस दिन से तारीख दिन मैंने नहीं देखा। बिलाल हबशी शहर मदीना छोड़ गए कि अब इन गलियों में हुजूर नजर नहीं आते तो शहर में रह के अब क्या करना है। इसी तरह हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोती थी और साथ कहती थी सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्हा सुब्बत अलैया में सिर न लिया लिया, मेरे ऊपर जो मुसीबतें पड़ गई हैं अगर वो दिनों पे पड़ जाती तो वो मुसीबतों से रात बन जाते। वो गदबा नामी ऊंटनी जो हुजूर की सवारी थी उस ऊंटनी से हुजूर का हिजर बर्दाश्त न हुआ। वो हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा की दहलीज पर सर रख करके रोती रहती थी और बाकायदा इस हाल में उसने इंतकाल किया। वो दाराज गोश जिसपे हुजूर सवारी किया करते थे जैसे याफूर कहते थे, वो एक अंधे कुएं में छलांग लगा के अपनी जान से हाथ धो बैठा, जब हुजूर चले गए तो हमने जी के क्या लेना है। एक अजीब रंग था कायनात का अब इस हालत के अंदर के सहाबा के ऊपर एक संगता तारी है, हजरत उमर तलवार लिए खड़े हैं और इन हालात में जो मुनाफिक थे उन्होंने खेल खेला और वो खेल क्या था, बड़ा बारीक चाल थी उनकी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया वाह जी वाह हुजूर के मौजूद होने से क्या रंग था, क्या बहारें थी, क्या नमाजें थी, क्या रोजे थे, क्या जिहाद था, अब किसने नमाज पढ़नी है, अब किसने रोजा रखना है, अब किसने ज़कात देनी है, अब किसने हज करना है, अब किसने अपने माल को पेश करना है, ये तो सारी बहारें इनके दम से थीं। तो जब हुजूर विसाल कर गए हैं तो अब किसने ये नेकी के काम करने, अब फिर वही कत्लो गारत होगी, फिर वही सब कुछ होगा। तो इस तरह से उन्होंने ये बात फैलानी शुरू कर दी। अब मुझे बताओ कि ये कितना नाजुक मौका था और हालात सहाबा के ये थे कि उनसे संभला नहीं जा रहा था। ऐन इस मौके पर उम्मत को जिस शख्स ने संभाला उस शख्स का नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और लोगों को मुतवज्जे किया और लोग मुतवज्जे होकर उनके करीब आए, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उसी हालत में थे, लेकिन जब आपने लोगों को करीब किया तो वो भी आ गए। तो आपने लोगों से मुखातब होकर कहा लोगों मुझे एक बात बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो कहा कि वो तो हई है, वो तो ला यमूत है, वो तो जिंदा है, उसको मौत नहीं है, और हुजूर अल्लाह का फरमान और हुक्म लेकर आए थे और जो जिम्मेदारियां थी वो निभा के हुजूर चले गए। और फिर आपने वो आयत पढ़ी वमा मुहम्मद इल्ला रसूल। सहाबा फरमाते हैं हमें पता चला कि ये आयत इस मौके के लिए नाजिल हुई थी, हमें पहले कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं हुई थी। और फिर फरमाया क्या जिस दीन के लिए रसूलुल्लाह ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, हुजूर ने अपनी सारी जवानी लगा दी, हुजूर ने एक एक लम्हा जिस दीन के लिए सर्फ कर दिया, क्या हुजूर के विसाल करने के बाद तुम उस दीन को छोड़ दोगे। सहाबा ने कहा क्यों छोड़ेंगे, हम तो खड़े होंगे उस दीन के लिए। तो काफिर हुजूर चले गए और तुम्हारे कंधों पर ये जिम्मेदारी डाल गए हैं, अब उठो उस दीन का झंडा लेकर पूरी दुनिया के ऊपर निकलो। और इस जुमले ने उम्मत को खड़ा कर दिया। तो उस वक्त मुनाफिकीन जो चाल चल रहे थे और इस्लाम के खिलाफ जो बारीक चाल चल रहे थे, अगर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उस वक्त इसी हालत में चले जाते जिस हालत के अंदर बाकी लोग सदमे से निढाल थे, तो मुझे बताओ कि कौन संभाला देता और कौन जो है वो इस वक्त उम्मत को संभालता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पर उम्मत को संभाला। दूसरी बात यह हुई कि उम्मत तकसीम होने लगी थी, ये बात तय होने लगी कि अंसार से खलीफा होगा और एक मुहाजरीन से होगा।
इस मौके पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जाके किरदार अदा किया और उम्मत को उस नाजुक मौके पे तकसीम होने से बचा लिया। आज लोग कहते हैं कि उधर हुजूर अलैहिस्सलाम का जस्ते अनवर पड़ा हुआ था और इन्हें खिलाफत के मामले पड़े हुए थे, और मियाँ यही तो काम था जुम्मादारी का जो करने का था, जो हजरत सैयद नज़दीक अकबर ने किया। उस वक्त अगर ना उठते तो उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी होती। तो ये वो एहसान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कलेजा उनका भी फट रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात का जो सदमा था वो उन्हें भी तड़पा रहा था। बल्कि एक जमाना ऐसा आया कि हुजूर ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो इस दुनिया को इख्तियार कर ले या आखिरत को इख्तियार कर ले, तो उसने इस दुनिया की बजाय आखिरत को इख्तियार कर लिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रो पड़े, तो बाकी सहाबा ने हजरत अबू बकर से पूछा कि अबू बकर ये बात रोने वाली तो नहीं है, तो कहा तुम नहीं समझ रहे, उस बंदे से मुराद खुद हुजूर की जात है, तो इसका मतलब यह है कि हुजूर अब हमसे जुदा हो रहे हैं और उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन उस वक्त जब ये नाजुक मौका आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर उम्मत को संभाला दिया